हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बड़ी खबर है, ये वैकेंसी से भी रिलेटेड है, व्यापम से रिलेटेड है खासकर, और इसके अलावा और भी जो बड़ी खबर है उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री जी ने रोजगार विभाग की बैठक ली है और उस बैठक में क्या क्या फैसला लिया गया है, साथ ही क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या आदेश दिए गए हैं, इस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि ITI से संबंधित कुछ आदेश शामिल हैं, साथ ही अग्निवीर भर्ती के बारे में ये अपडेट है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक। चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी ने तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं और ये जो बैठक है रायपुर में आयोजित की गई थी। IIT की तर्ज पर शुरू होंगे छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तकनीकी शिक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि जो IIT है उसी के तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है अब यहाँ पर खोले जाएंगे छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, बहुत ही अहम फैसले, साथ ही व्यापम से रिलेटेड भी फैसले लिए गए, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्र में, जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें एक एक इंस्टीट्यूट प्रारंभ होंगे, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट जो कि IIT के तर्ज पर होंगे। इसके अलावा अग्निवीर कोटा को बढ़ाने के लिए भी अनुरोध पत्र भेजा गया है और अनुरोध पत्र भेजने का निर्देश दिया गया है आर्मी हेडक्वार्टर को। ये बहुत बड़ी खबर है अग्निवीर भर्ती को लेकर के, तो अग्निवीर का कोटा जो है बढ़ाने के लिए इसमें अनुरोध पत्र भेजा गया है। साथ ही यहाँ पर जो है व्यापम की निकट भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाएँ लोकसभा चुनाव के पहले कराने की जो है योजना है और इसके लिए भी आदेश दिया गया है माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा। व्यापम में जो भी निकट भविष्य में जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं या जितने भी पद खाली हैं जिनके लिए स्वीकृति मिल चुकी है या फिर स्वीकृति मिलने वाली है, ऐसे परीक्षाओं को जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव के पहले कराने के लिए आदेश दिया गया है। तो ये बेरोजगारों के लिए बहुत ही एक बड़ी और अच्छी बात है। तो इसके लिए आप लोगों को जो है जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू करनी होगी ताकि व्यापम की परीक्षा में एक सीट आप पक्की कर पाएँ वैकेंसी के जरिए। व्यापम की भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता से कराने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, बहुत ही अहम निर्देश है ये। व्यापम की अब जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें सख्ती के साथ जो है पारदर्शिता का पालन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, युवाओं को उद्योग में रोजगार के लिए ITI में नए ट्रेड खुलेंगे। ITI में और भी जो बचे हुए जो ट्रेड थे जिनको अभी संचालित नहीं किया जा रहा था, तो वो अभी नए ट्रेड इसमें शामिल किए जाएंगे ताकि रोजगार उद्योग में जो है युवाओं को रोजगार मिल सके। तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में ये सभी निर्णय लिए गए उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। तो ये जो बैठक है वो कल के डेट पर लिए गए थे और इसमें बहुत अहम जो है निर्णय भी लिया गया, साथ ही आदेश भी दिया गया उनके द्वारा। जैसे कि अभी हमने इस वीडियो में देखा कि छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों में ITI के तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिया गया है। साथ ही व्यापम की अधिकारियों से बैठक में कहा, ठीक है, व्यापम के अधिकारियों से कहा गया कि निकट भविष्य में जो भी एग्ज़ाम्स आयोजित होंगे उन सभी को जो है लोकसभा निर्वाचन के पहले उनकी एग्ज़ाम्स वगैरह हो जाएं, ये बताया गया है। साथ ही ये भी हिदायत दिया गया है कि पेपर लीक वगैरह की जो चीज़ें पहले देखने को मिली थी एक दो एग्ज़ाम में, तो उन वो चीज़ें फिर से ना दोहराई जाएं और जो है पूरी पारदर्शिता इसमें बरती जाए। और अग्निवीरों की भर्ती का कोटा बढ़ाए जाने को लेकर के आर्मी हेडक्वार्टर को इसके संबंध में जल्द ही अनुरोध पत्र भेजने के निर्देश उनके द्वारा दिया गया है। ITI में जो है ITI में उद्योगों की जरूरत को रखते हुए ध्यान में रखते हुए नए ट्रेड शुरू किए जाए, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है अहम निर्णय लिए गए हैं। साथ ही रोजगार कार्यालय में बेरोजगार अभ्यर्थियों के डाटा को सुव्यवस्थित संधारण किए जाने पर भी निर्णय लिए गए हैं। तो इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है बैठक में। आज जैसे कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि जो भी कैबिनेट की बैठक होनी थी जो कि 2 जनवरी को होनी थी उसको किसी कारण से अब टाल दिया गया है 3 जनवरी को, यानी कि आज उसकी जो है बैठक होने वाली है और उस बैठक में जो भी चीज़ें निकल करके सामने आती है उसका अपडेट आपको बताया जाएगा, क्या अहम निर्णय लिए गए हैं, साथ ही रोजगार से संबंधित क्या निर्णय लिए गए हैं वो आप लोगों को आगे के वीडियो में बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों पर ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।